हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग मेनली दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन कि सीबीएसई अपने जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो पेपर रहते हैं अभी, उनको कब कंडक्ट करवाएगी। एंड नंबर टू, अपना जो रिज़ल्ट है सीबीएसई इस बार का 10th और 12th का, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट है, वो कब तक डिक्लेयर करेगी। तो हाल ही में सीबीएसई से ही ये न्यूज़ आई है। एक ऑनलाइन मीटिंग रखी गई थी सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज और बहुत से जो स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स के बीच में, और उस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, उस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है, जो डिस्कशन हुआ, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उस मीटिंग में सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा इंडिया में, उसके 4 दिन बाद ही जो इवेल्यूएशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इवेल्यूएशन की प्रोसेस मतलब पेपर चेकिंग। आपको जैसे कि पता है, पेपर चेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिज़िक्स टीच करता हूँ, तो मेरी भी ड्यूटी आई थी पेपर चेकिंग में, और हम चेकिंग में गए हुए थे इवेल्यूएशन में फिज़िक्स के पेपर की। लेकिन फिर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया था, और उस वजह से जो इवेल्यूएशन की प्रोसेस है वो भी बीच में ही रुक गई थी, और हम सबको जो है घर भेज दिया गया था, और चेकिंग का काम सीबीएसई ने रोक दिया था। तो अभी भी चेकिंग का काम रुका हुआ है, तो रिज़ल्ट अभी भी प्रिपेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सीबीएसई ने अभी ये डिसाइड किया है कि जैसे ही हमारी कंट्री में हालात को देखते हुए, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, उसके जस्ट 4 दिन बाद ही इवेल्यूएशन का काम शुरू हो जाएगा, पेपर चेकिंग शुरू हो जाएगी लॉकडाउन के ठीक 4 दिन बाद। और इस बार सीबीएसई बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स को हायर करेगी पेपर चेक करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है रिज़ल्ट वो टाइम पे डिक्लेयर किया जा सके। तो कोशिश सीबीएसई की यही है कि रिज़ल्ट टाइम पे ही आए। तो वो सब घूम फिर के डिपेंड करता है लॉकडाउन पे। बच्चे, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जितनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा उतनी जल्दी आपकी इवेल्यूएशन स्टार्ट होगी, और जितना जल्दी इवेल्यूएशन का काम ख़त्म होगा, सीबीएसई जो है रिज़ल्ट दे पाएगी 10th और 12th का। ठीक, तो आई थिंक इस बार, क्योंकि लॉकडाउन शायद लंबा जाने वाला है, अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है अकॉर्डिंग टू मी वो जून या जुलाई तक ही आएगा। 10th और 12th का जो रिज़ल्ट आएगा वो आई थिंक जून और जुलाई तक ही आ पाएगा, उससे दूर भी जा सकता है। ठीक, अब रही बात जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी। अब कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे ड्यू टू द लॉकडाउन, तो वो एग्ज़ाम्स भी सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद। जैसा कि सीबीएसई ने अपनी जो नोटिफिकेशन दी थी अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने बताया भी था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, और एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो बता दी जाएगी वेबसाइट पे, और स्टूडेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कब कब एग्ज़ाम्स होने हैं। और दूसरा, इस बार सीबीएसई थोड़ा अलग तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाली है। इस बार एक क्लासरूम में जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, उसमें एक एग्ज़ामिनेशन रूम में सिर्फ मैक्सिमम जो है 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूज़ किया जाएगा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में। तो सीबीएसई जब एग्ज़ाम लेगी, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे एक क्लासरूम में सिर्फ 10 बच्चे ही बैठ पाएंगे, उनको दूर दूर बैठाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो अपनी तरफ से सीबीएसई पूरा ध्यान रखेगी इन बातों का। तो घुमा फिरा के बच्चे, बात यही आती है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा, लॉकडाउन के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, और एग्ज़ाम्स कैसे होंगे ये भी आपको पता लग गया कि एक क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ही बैठेंगे, और आपका जो रिज़ल्ट है वो यही है कि जून जुलाई तक ही आ पाएगा, क्योंकि अभी किसी तरह की कोई चेकिंग प्रोसेस नहीं चल रही है। ठीक है, सारे इवेल्यूशन प्रोसेसेस रुकी पड़ी हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी इवेल्यूशन पे हम लोग वापस जाएंगे, जो टीचर्स हैं वो पेपर चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही रिज़ल्ट जो है आपका बन पाएगा, रेडी हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, जिन बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं वो आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स उनके आने हैं उनके लिए प्रिपरेशन करें, अपने फ्यूचर प्लानिंग करें कि अब वो क्या करना चाहते हैं आफ्टर 12th, उसके लिए कुछ करें। और दूसरा, टाइम को बेटा वेस्ट ना करें कोई भी बच्चा, यूटिलाइज़ करें, कुछ नई स्किल्स सीखें। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, यही एक रास्ता है कोरोना वायरस को भी हराने का। तो आई होप आप लोगों को सबको पता लग गया कि कब जो है रिज़ल्ट आएगा, जून जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आने वाला है, और कब आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। जितना जल्दी लॉकडाउन ख़त्म उतना जल्दी रिज़ल्ट आएगा, और लॉकडाउन तभी ख़त्म होगा जब कोरोना वायरस हार जाएगा। ठीक है, सो
घर पे रहें, अपना ध्यान रखें बच्चे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और जो प्रूफ है जो मैंने बताया, इसका प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप उस लिंक को चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।